अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर कंप्लीट हो गया है, अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर सीखने वाले हैं हम लोग। दो वेक्टर का कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ये देखेंगे। तो पहले ये सब्ट्रैक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है वेक्टर का, ये सीखेंगे हम लोग, क्यों वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो उसके एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे करूंगा, अगर एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ये वी इनिशियल है और ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए मैं इसको आई कैप भी लिख सकता हूँ वेक्टर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का। और विथ डायरेक्शन अगर लिखें तो मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूँ वी इनिशियल वेक्टर इक्वल टू 10, और ये ऐसे ऊपर अगर वाई एक्सिस बोलूँ तो जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को जे कैप से इंडिकेट करते हैं, और अगर कोई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसे आई कैप लिख देते हैं। तो ये जे कैप हो गया वाई एक्सिस की तरफ। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई आ गया पॉइंट, तो इधर भी मान लेते हैं ये 10 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड ही है, और इसके अपोजिट एंड पे भी यहाँ भी उसकी स्पीड तो उतनी ही है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन इधर अपोजिट है। और इसको मैं फाइनल अगर पॉइंट बोल दूँ, यहाँ पे ये इनिशियल ये फाइनल, सो वी फाइनल इज इन वेक्टर फॉर्म, वी फाइनल को मैं 10 तो लिखूंगा लेकिन माइनस जे कैप लिखूंगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऐसे नीचे की तरफ डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो क्या इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूं तो फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ये सही बात है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के इक्वल नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, और वेक्टर में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंसीडर करना होता है। तो अभी अगर इस क्वेश्चन में इसमें ऐसा कोई पूछ दे क्वेश्चन कि वी इनिशियल या वी फाइनल का मैग्नीट्यूड माइनस वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10 आएगा और ये भी 10 इन मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर वी फाइनल में माइनस वी इनिशियल करना होगा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, तो 0 नहीं आएगा, क्योंकि वी फाइनल को मैं लिखूंगा 10 और ये नीचे की तरफ है, तो इसको माइनस जे कैप, माइनस वी इनिशियल को क्या लिखूंगा मैं, तो 10 और प्लस जे कैप, और ये माइनस तो सब्ट्रैक्शन के लिए है माइनस, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आ गया, -10 जे कैप -10 जे कैप -20 जे कैप आ गया। तो दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसे सिचुएशन में कोई बोले कि ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, तो आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी 20 का हुआ, 20 का चेंज हुआ। सर एक बार आप ही समझाओगे? यस रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, कैसे कैसे ही आया, देखिए अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है एक वेक्टर का इनिशियल पोजीशन, और उसका डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं इधर, तो इधर वाले एक्सिस को क्या वाई डैश या वेक्टर में रिप्रेजेंट करे तो माइनस जे कैप लिखेंगे, अगर वाई एक्सिस को जे कैप लिखे तो वाई डैश की तरफ माइनस जे कैप लिखेंगे। तो इस वेक्टर को मैं अगर बोला वी इनिशियल वेक्टर या वेलोसिटी इनिशियल, तो उसको 10 जे कैप लिखना है, 10 मैग्नीट्यूड, और जे कैप स्टैंड फॉर डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड है ऊपर की तरफ, तो इसको 10 जे कैप लिखेंगे, और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसको 10 माइनस जे कैप लिखेंगे इस वेक्टर को, क्योंकि इसका डायरेक्शन इससे तो अलग है ना, नीचे की तरफ है, तो जे कैप डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर को मैं 10 माइनस जे कैप लिखा और इनिशियल वेलोसिटी को 10 प्लस जे कैप लिखा, और ये माइनस क्यों, क्योंकि मुझे दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करने पे क्या आ गया, इसको और भी हम एक्सटेंड करें तो इसको लिख सकते हैं -10 जे कैप, ये -1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दिए तो 10 जे कैप, तो ये आ गया -20 जे कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछे कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी या डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी का -20। देखिए तो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन अलग तरीके से, स्केलर का डिफरेंट वे में सब्ट्रैक्शन, ये मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी का डिफरेंस,
और सिर्फ मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन किए तो जीरो आए। इस पे और थोड़ा हम काम कर लेते हैं, देखिए इसको दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं समझाने का, फिर इस पे वापस आएंगे इस चीज पर। इसको अभी अभी के लिए इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। जैसे ये वेक्टर है ए वेक्टर, और एक दूसरा वेक्टर है मान लेते हैं इधर की तरफ, ये वेक्टर को मैं बोल रहा हूँ कि ये बी वेक्टर। तो इन दोनों का एडिशन या सम करने पे क्या इधर आता था, इसको मैं बोलता था ए प्लस बी, राइट, रिजल्टेंट। लेकिन अगर बी वेक्टर को अपोजिट करके बना दें, जैसे ये बी वेक्टर है ना, इसको उल्टा किसी ने बना दिया ऐसे नीचे, तो इस वेक्टर उतना ही लेंथ का, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ का अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे किसी ने बना दिया, तो इस वेक्टर का क्या नाम होगा। जैसे ये ओ वेक्टर है, ओ मतलब पॉइंट है, राइट, और इस तरफ जो वेक्टर गया है उसको बी लिखा हूं मैं, तो उल्टे डायरेक्शन में क्या माइनस बी होगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का है। तो देखिए इसका और इसका सेम मैग्नीट्यूड है, और ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ, तो इसको माइनस बोलते हैं, निगेटिव वेक्टर, तो माइनस बी वेक्टर है। तो इन दोनों को ऐड करने पे जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए इधर की तरफ जो वेक्टर आएगा ना, इसका नाम होगा, ए में मैंने ऐड किया है लेकिन बी नहीं ऐड किया है, माइनस बी ऐड किया है। ए में मैंने क्या ऐड किया है, माइनस बी, तो ये ए प्लस माइनस बी को लिखा जाता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन का मीनिंग है एडिशन ऑफ अ वेक्टर प्लस एडिशन ऑफ अ वेक्टर एंड निगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दिए तो उसी को बोल देते हैं ए माइनस बी। तो इसका भी रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर, अभी इसको आप छोड़ दीजिए, ये फर्स्ट ए स्क्वायर हो गया, यही डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला इसका, रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर माइनस बी है, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो खुद बी के इक्वल ही आ जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अब ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या होगा, वेक्टर ए और माइनस बी के बीच का एंगल, तो ए वेक्टर और बी के बीच 90 डिग्री एंगल था, तो ए और माइनस बी ये भी एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री ही आ रहा है, माइनस बी और ए वेक्टर के बीच का, राइट, ये एंगल आ रहा है कितना, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है इन दोनों के बीच। तो इसका रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं, लेकिन ये एंगल हम लिख रहे हैं, एंगल बिटवीन क्या लिखना है मुझे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैं ए बी को ऐड ही नहीं किया हूं, मैं ए और माइनस बी को ऐड किया हूं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। मतलब ये सम वाला ही फॉर्मूला है, लेकिन एंगल सिर्फ ध्यान रखना है, ये ए एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल है, तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इससे मिल जाएगा, ए प्लस माइनस बी वेक्टर का, ए प्लस माइनस बी वेक्टर, ए प्लस माइनस बी वेक्टर का क्या मिल गया, ये मॉड, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए माइनस बी वेक्टर का मॉड मिल गया मुझे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का निगेटिव को ऐड करना, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर ये है, लेकिन एक वेक्टर को अपोजिट करके ऐड करना है। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे ये वेक्टर ए, ए वेक्टर ये हो गया, और ये वेक्टर हो गया बी, तो इनके बीच के रिजल्टेंट को बोलते हैं ए प्लस बी। अब ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का मतलब है ए वेक्टर में ऐड तो करना है, लेकिन बी वेक्टर ऐड नहीं करना है मुझे, माइनस बी वेक्टर ऐड करना है। तो इस वेक्टर का नाम होता है इन दोनों का, कि ए में मैंने ऐड तो किया लेकिन माइनस बी को ऐड किया है, ए में मैंने किसको ऐड किया है, माइनस बी वेक्टर। तो इसी वेक्टर को लिखा जाता है वेक्टर ए प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी जब भी करना होगा क्या करेंगे, ए को एज इट इज रखेंगे और बी वेक्टर को ऐसे उल्टा कर देंगे, तो इधर माइनस बी वेक्टर हो गया। अब फॉर्मूला फॉर्मूला बस याद रखना है, ए प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला था रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है, ए माइनस बी का फॉर्मूला बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, और इन दोनों में थीटा सेम लेना है, सेम एंगल बिटवीन ए एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एकदम सिंपल। इतना बात याद है तो सब कुछ हो जाएगा काम, सिर्फ रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद करना है, सम का फॉर्मूला में प्लस है और माइनस सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूला में माइनस है यहाँ, और एंगल यहाँ पे एंगल ए एंड माइनस बी नहीं लेकर दोनों एंगल को सेम लेना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल लेना है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आइए कर लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि ये वेक्टर 3 है और ये बी वेक्टर जिसको मैं ले रहा हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 4 है, ऐसे ले लिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, तो मुझे इससे ए प्लस बी पता करना है, दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, तो एकदम आराम से हम लिख देंगे यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस 90 डिग्री, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, तो ये कॉस 90 पूरे टर्म को जीरो कर दिया और इसका 5 आया, और ए माइनस बी अगर इसमें करें तो ए माइनस बी का भी आंसर वही 5 आएगा, देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और आगे के टर्म में भले ही मुझे माइनस लिखा है 2 इंटू 3 4 कॉस 90, लेकिन कॉस 90 फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो, लेकिन कॉस 90 के अलावा कोई और एंगल होता तो इसमें अलग ऐड होता और इसमें अलग कुछ सब्ट्रैक्ट होता, यहाँ कॉस 90 है इसलिए दोनों केस में जीरो हो गया, और इससे भी आंसर मुझे 5 ही आया, तो ए प्लस बी का भी आंसर 5 आया इसमें, और ए माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑफ टू वेक्टर में क्या फर्क है सर, सेम ही क्या आंसर है, तो अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर में ए प्लस बी भी 5 आया मेरा और ए माइनस बी 5 आया, मैग्नीट्यूड सिर्फ इक्वल आया, डायरेक्शन इक्वल नहीं आया, ए प्लस बी का डायरेक्शन है इधर की तरफ, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए उधर है, या इधर हम बोले ईस्ट और उधर नॉर्थ, तो ईस्ट नॉर्थ की तरफ, और इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है ए माइनस बी का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलग आया है दोनों का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, मैग्नीट्यूड खाली सेम आया है। अभी अगर 90 डिग्री नहीं है दोनों वेक्टर के बीच एंगल, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, देखिए दो वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, तो एक वेक्टर इधर मैंने ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड 3 ले लेता हूँ 3, और दूसरा वेक्टर इस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड 4 है, और ये एंगल मैं इधर से एंगल दे देता हूँ कुछ 37 डिग्री, कितना एंगल मैंने दे दिया है, 37 डिग्री एंगल मैंने दिया हुआ है हाँ, और मुझे दो वेक्टर फाइंड करना है, अगर ये ए वेक्टर का मॉड है 3 और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो मुझे फर्स्ट फाइंड करके दिखाइए आप ए प्लस बी किधर होगा, इधर साइड में मैं लिखता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है कितना होगा और उसको रिप्रेजेंट भी करना है यहाँ पे, और सेकेंड में ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है और उसको रिप्रेजेंट भी करना है कि वो ए माइनस बी इधर होगा कि इधर साउथ वेस्ट में होगा कि ऊपर होगा, मतलब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है कि ए माइनस बी किधर है और ए प्लस बी कैसा होगा, उसको रिप्रेजेंट करना है यहाँ, और मैग्नीट्यूड भी बताना है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 3 एंड बी हैज मैग्नीट्यूड 4 एंड बोथ आर इंक्लाइन एट एन एंगल 37 डिग्री, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस बी, तो मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ऐड करने का फॉर्मूला रूट फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 3 4 कॉस 37 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करने का फॉर्मूला 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या लिखना है माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस वही 37 डिग्री, दोनों में ए और बी वेक्टर के बीच का ही मैग्नीट्यूड लेना है 37 डिग्री, तो इसे सॉल्व करने पे आ रहा है ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 24 और cos 37 का वैल्यू होता है, cos 37 का वैल्यू होता है 4/5 राइट, cos 37 का वैल्यू कितना होता है cos 37, इसको इजी रखने के लिए इसको चलिए हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री, क्योंकि मुझे अभी सीखने से मतलब है, इसको कैलकुलेशन इजी रखना है मुझे,
तो cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा। क्यों मैंने एंगल चेंज कर दिया, अगर ये एंगल रहता तो कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम लगता, इसलिए मैं 60 डिग्री उसको लिख दिया। 37 डिग्री को मैं 60 ले लेता हूँ, फिर ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 माइनस 24, cos 60 का वैल्यू इजी होता है 1/2, इसीलिए मैं cos 60 ले लिया, इससे ये 12 टाइम्स गया, तो ये रूट कितना आ जाएगा 37, और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस, इसमें से करना है 13, रूट 13। तो देखिए ऐड करने पे a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 37 आया, और सब्ट्रैक्ट करने से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड आ गया 13। अभी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a प्लस बी किधर होता है, तो a वेक्टर के टेल से b वेक्टर के हेड तक, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ये वेक्टर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर a प्लस बी, वेक्टर a प्लस बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और डायरेक्शन अगर हम बात करें तो इधर ईस्ट, और ऊपर की तरफ अगर नॉर्थ है तो ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं पे है, एंगल बनाकर, कितना एंगल बनाकर है, वो एंगल अल्फा एंगल निकालने हम लोग को आता है, वो अभी फाइंड भी करेंगे हम लोग। खैर a माइनस बी को चलिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, a माइनस बी किधर होगा, a माइनस बी, तो ये वेक्टर है a और ये वेक्टर था माइनस बी वेक्टर, तो क्या माइनस बी इसका अपोजिट ऐसे हो जाएगा, ये वेक्टर b था तो इसका अपोजिट ऐसे माइनस बी हो जाएगा, ये माइनस बी, तो a में मुझे माइनस बी ही तो ऐड करना है, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में मुझे ऐड करना है माइनस बी, तो a वेक्टर के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे, a वेक्टर के टेल से माइनस बी वेक्टर के हेड को ज्वाइन करेंगे, यानी ऐसे ज्वाइन करेंगे इधर की तरफ, तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा a वेक्टर में मैंने ऐड कर दिया माइनस b वेक्टर, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का ये डायरेक्शन आ गया इधर, इधर की तरफ आया। तो देखिए सब कुछ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये a वेक्टर है, ये वाला a वेक्टर है, ये b वेक्टर था, ये माइनस b वेक्टर था, और ये ग्रीन कलर वाला a प्लस b था, और इधर रेड कलर वाला a माइनस b है, सभी वेक्टर को रिप्रेजेंट भी कर लिए और उसका मैग्नीट्यूड भी यहां मैंने फाइंड कर दिया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैग्नीट्यूड तो एकदम सिंपल है निकालना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और दोनों में ही थीटा मुझे a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल लेना है, a और b के बीच का एंगल। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे है, a वेक्टर ये है, वेक्टर a ये हेड समझना है, ठीक है, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो रिजल्टेंट किधर से किधर होता है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखा है कि टेल से शुरू होगा, फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर a टू हेड ऑफ b, तो a वेक्टर का टेल कहाँ पे है, ये वाला टेल है a वेक्टर का, और b वेक्टर का हेड कहाँ पे है, यहाँ पे है हेड b वेक्टर का, तो जो रिजल्टेंट होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से, a वेक्टर से, और इधर को एंड होगा यहाँ, इसीलिए मैंने एरो ऐसे दिया है ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए a वेक्टर ये है मेरा a वेक्टर और ये b वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहाँ स्टार्ट होगा, a वेक्टर के टेल से b वेक्टर के हेड तक, यानी यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म होगा, तो क्या ऐसे एरो जाएगा, ये एरो कैसे जाएगा, ऐसे, फिर से देख लीजिए, टेल से स्टार्ट हुआ मतलब यहाँ से टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर की तरफ गया, ऐसे यहाँ पे आगे खत्म हुआ, तो ये a प्लस बी हो गया, ये वाला हो गया a प्लस, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि a के टेल से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा, माइनस बी के, a माइनस बी करना है ना मुझे, a में माइनस बी ऐड करना है, तो a वेक्टर के टेल से शुरू करके और माइनस बी वेक्टर के हेड तक जाना है, राइट, a वेक्टर के टेल से यानी यहां से शुरू होगा वेक्टर और कहाँ खत्म होगा, माइनस बी वेक्टर के हेड पे यानी इधर आकर खत्म होगा, तो ये वेक्टर क्या हो गया मेरा, a माइनस बी, ये वेक्टर हो गया a माइनस बी। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी और a प्लस बी।